शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर का कल एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक सेना के अधिकारी के साथ बहस करते हुए तीखे तेवर में नजर आ रहे थे। लेकिन इस वीडियो की हकीकत को लेकर पता किया तो शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने कहा कि जो सेना का अधिकारी था, जो नशे के अंदर धुत था और वो महिलाओं के साथ जो बर्ताव था उनका थोड़ा अलग बर्ताव था और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के ऊपर भी बंदूक तारने की कोशिश की, तो इसमें शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने आज एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर वहां की हकीकत घटना से रूबरू किया। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाबू सिंह जी, आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या थे? कल मतदान हो रहा था और मेरे गांव नाथरूप में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है, और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था और आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो महिलाओं ने ऐतराज जताया, विरोध जताया कि इस प्रकार से आप हमारे घूंघट ऊपर नहीं कर सकते, ये हमारा मूल आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका मिलान होता नहीं है, तो उन्होंने कहा ये हमारा पुराना आधार कार्ड है और ये हमारा कार्ड है। तो आधार कार्ड आईडी कार्ड के बहाना बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और ही मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहाँ जाना था, तो करीब 11 बजे मैं पहुंचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 10-11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया, तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गांव में मेरे मतदान क्षेत्र पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो? मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है, तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो देश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी मैंने कहा इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भी आप मेरे साहब आप वोट दीजिए, तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ, महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आ रही। तो अधिकारी आए, जांच करी और जांच में उस जवान को दोषी माना और दोषी होने के बाद में वहां से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं।